बीजेपी के आरोपों पर सीएम गहलोत ने किया पलटवार, कहा अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेज देते हैं, खुद आकर प्रदेश में व्यवस्था की जानकारी दी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक खूब मचा सियासी घमासान, विधानसभा में होता रहा हंगामा, राज्यसभा में भी दिखी इसकी झलक। सीएम मनीष सिसोदिया ने द कश्मीर फाइल्स पर दिया बयान, सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 200 करोड़ में बेचा कश्मीरी पंडितों का। ICHRRF में हुई विशेष सुनवाई, सुनवाई में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को माना नरसंहार, दोषियों को जघन्य अपराध की सजा देने का किया आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रियों ने अधिकारियों की सीआर लिखने की पैरवी की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके विभागीय अफसर के बीच का पिछली सरकार में विवाद सदन के अंदर काफी हंगामेदार रहा था। उस वक्त भी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने समर्थन किया था। नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर विभागीय अधिकारियों के सीआर के मामले को बल दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अन्य राज्यों में ये व्यवस्था है, लेकिन हमारे राज्यों में एनडी तिवारी सरकार के बाद यह खत्म हो गया था। अधिकारियों पर लगाम तभी कसी जाएगी जब मंत्री विभागीय अधिकारी का सीआर लिखेगा। पहले कैबिनेट में इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत करा चुका हूं। यही मानना है कि जो अधिकारी आपके साथ काम कर रहा है उसकी सीआर लिखने का अधिकार मंत्री का ही होना चाहिए, और हमने ये बात ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इसमें फैसला लेंगे। लगनी चाहिए, पहले की ये व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि मंत्री अपने सेक्रेटरी की सीआर लिखे। राजस्थान में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। गैंगरेप का आरोप कांग्रेस के एक विधायक के बेटे पर लगा है, जिसके बाद से बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राज्य सचिव और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोथवाल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ट्रेन का टिकट भेजा और उनके अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को याद दिलाते हुए उन्हें जल्द से जल्द राजस्थान का दौरा करने के लिए कहा। इसके बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर बीजेपी पर पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने बयान में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान आने का न्यौता दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर बार बार प्रियंका गांधी को आमंत्रित करते हैं, जबकि प्रियंका जी किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है। हम गृह मंत्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेजकर निवेदन करना चाहेंगे कि वो राजस्थान आए और यहाँ आकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए नवाचारों और अपराध के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई की जानकारी लें, जिससे उनकी पार्टी की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जा सके। मौसम में बढ़ती गर्माहट के बीच देश में सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। आज दिल्ली से लेकर कोलकाता तक खूब सियासी गर्मी देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा, तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए। यही हाल कोलकाता में भी देखने को मिला, जहाँ बंगाल विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर बवाल हुआ। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया। बढ़ती महंगाई और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय भारत बंद पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने हंगामा किया। इस हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि इन्हें कश्मीर फाइल से प्यार है, हमें कश्मीरियों से प्यार है। अटल जी या जगमोहन के समय जो भी हुआ वो बीते दिनों की बात है, लेकिन 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होकर क्यों रहना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उनका दर्द देश समझे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके दर्द को 200 करोड़ में बेचा जाए। फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिए हैं तो यूट्यूब पर डाल दें, जिससे त्रिलोकपुरी और कोंडली में रहने वाले आम लोग भी उनके दर्द को समझें। बीजेपी को कश्मीर फाइल्स की चिंता है और हमें कश्मीरी पंडितों की चिंता है। वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम ने माना है कि कश्मीरी पंडितों को 1989 से 1991 के दौरान नरसंहार किया गया था। विशेष सुनवाई में करीब 12 कश्मीरी पंडितों ने गवाही देते हुए अपने परिजनों के साथ हुए जुर्मों की दास्तां पेश की।
आयोग ने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को इसे नरसंहार मानते हुए दोषियों को सख्त सजा का आह्वान किया। हाल ही में आई चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी पंडितों के साथ हुए जुल्म को दर्शाया गया है। बस्ती में गौर थाना के सरई रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 5 महीने की गर्भवती महिला का शव जो है वो शक्त हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के गाँव वालों से भी पहचान कराई गई, लेकिन पहचान नहीं हो सके। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। थाना गौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसरई क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला की ट्रेन से कटकर दुखद मृत्यु हो गई, जिसके पेट में 5 माह का बच्चा भी था, उसकी भी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना गौर की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे पुलिस लिया गया। चूँकि शव काफ़ी छत बिछत हो चुका है, इसलिए मौके पर आसपास मौजूद लोगों से उसकी पहचान का प्रयास कराया गया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बुलंदशहर में खुर्जा क्षेत्र के शाहपुर मोड़ पर खड़े ट्रैक्टर में टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 5-7 लोग सवार थे गाड़ी में, टेम्पो में थे, जो ट्रैक्टर से टकराया पीछे से। अच्छा। आलू का भरा हुआ था ट्रैक्टर, उसे टकरा गया और उसमें से 2 की मृत्यु हो गई है और 5 लोग घायल। घायलों को रेफर कर दिया रेफर 3 लोगों को रेफर कर दिया गया यहाँ से खुर्जा से, और 2 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कहाँ से आ रहे थे? सायपुर कला से गंगाथला आ रहे थे। दिनेशपुर में शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में नशे के खिलाफ पुलिस और प्रेस क्लब ने सद्भावना क्रिकेट मैच खेला, जहां क्रिकेट मैच का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। प्रेस क्लब के कप्तान काजल राय ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, फिर प्रेस क्लब की टीम ने 4 विकेट गंवाकर 103 रन बनाए। तो वहीं पुलिस की टीम ने बड़ी आसानी के साथ 103 रन बनाकर प्रेस क्लब को पराजित कर दिया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने कहा कि प्रेस क्लब का नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम रहा है। पुलिस का दायित्व है नशे के खिलाफ कार्रवाई करना, ऐसे ही समाज का भी दायित्व है, और मैं ये पत्रकार समुदाय को बधाई देना चाहता हूँ, वो भी इसमें हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और इसका विरोध करने के लिए आगे ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर के राजकोतवाली क्षेत्र में मल्हवा गांव में कच्चे मकान में सो रहे परिवार के सदस्यों के ऊपर अचानक छत गिर गई, हादसे में एक मासूम की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने दबे हुए लोगों को मकान से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि खपरेल के मकान की बल्ली टूट जाने से हादसा हुआ। तो मेरा भाई लेटा था, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, तो भतीजी के ऊपर ज़्यादा घटना आ गई, खत्म हो गई। हाँ, वो खत्म हो गई। हरदोई में बैंक ऑफ इंडिया पर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के जन और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के जन और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर देश भर के करोड़ों कामगार, कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। दो दिन पहले से आ रहे थे, दौड़ रहे थे बैंक के लिए, कुछ पैसे जमा करने थे, आज भी आए, आज भी हड़ताल है और कल भी है हड़ताल, तो बहुत परेशान है, बार बार दौड़ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा, हड़ताल चल रही है। आज पूरे देश में एक महा हड़ताल, 10 केंद्रीय श्रम संगठनों और अनेकों स्वतंत्र फेडरेशनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ये हड़ताल सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां, कामगार विरोधी नीतियां और उद्योग विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रही है। 20 करोड़ कामगार इस हड़ताल में शामिल है, 29 राज्य इस हड़ताल से प्रभावित हैं।
ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में दिन दिहाड़े एक अज्ञात बदमाश की तरफ से नई बस्ती निवासी नवीन जैन के यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि नवीन जैन गल्ला मंडी में गल्ला का व्यापार का काम करते हैं। उनके घर में घुसकर अलमारी में रखे करीब 9 लाख से अधिक रुपये की नकदी और LED TV चुरा ली गई थी। ये बुरी वारदात मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV के आधार पर आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से चोरी का 90% पैसा और चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। नई बस्ती के गल्ला व्यापारी नवीन जैन के घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का अंजाम दिया गया था, जिसके अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देश कुशल निर्देशन में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस की टीम गठित की गई थी, जिनके अथक प्रयास से देवगढ़ रोड क्रॉसिंग पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 8,46,500 रुपया बरामद हुआ और इसी पैसे से 11,000 रुपये का खरीदा गया मोबाइल बरामद हुआ और उसके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें उसको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर ज्योतरागंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala opposite RIMC main gate, Garhi Cat, Dehradun,
मोबाइल नंबर 9319700579। नैनीताल में लेक सिटी और श्रीराम सेवक सभा के तत्वाधान में क्लब की अध्यक्ष रानी शाह के सहयोग से राम सेवक सभा मैदान में सुंदरकांड और भजनों का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल और आसपास के क्लब के सदस्यों के अलावा राम सेवक सभा पदाधिकारी के साथ ही नैनीताल के भक्तों ने सुंदरकांड और भजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर लेक सिटी के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी शुरू हो गई है, तो वहीं अब नैनीताल की वादियों में ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भरमार देखने को मिल रही है। वहीं पर्यटक नैनीताल झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं, पर्यटक स्थलों का भी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के आने से कारोबारियों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है। जहां पर्यटक झील के आसपास का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कई पर्यटक फोटोग्राफी कर नए नए आयाम पर नजर आते दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ में सिलेंडर नदी डीसीएम ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अनदेखी के कारण कुल्लू बैंड सवारी 8 किलोमीटर का मोटर मार्ग जानलेवा बना हुआ है। तो वही मोटर मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढे और डामीकरण उखड़ने से मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल विभाग की ओर से मार्ग के रखरखाव पर हर साल लाखों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं, बावजूद इसके खर्च होने वाली धनराशि का धरातलीय क्रियान्वयन न होने से विभागीयकरण प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग पर अधिकांश डामीकरण उखड़ने से मोटर मार्ग गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। अगर समय रहते विभाग ने मोटर मार्ग की सुध नहीं ली, तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्वर्गवास मोटर मार्ग 2019 में DLP से बाहर हो चुका है। उस पे हमारे द्वारा मेंटेनेंस के लिए 109 लाख का इस्टीमेट विभाग को भेजा गया। धन आवंटन न होने के कारण उसमें PC करना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में अभी रिसेंटली शासन में एक बैठक आहूत की गई थी, उसमें जो PMJSY में DLP से बाहर मोटर मार्ग हो चुके हैं उनको PWD को स्थानांतरित करने के आदेश हुए हैं। 25 मार्च तक आदेश हुए थे, किंतु 25 मार्च तक PWD द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी इसमें ने व्यस्तता के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। संभवतः अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ये मोटर मार्ग PWD को स्थानांतरित कर दिए। ऊधम सिंह नगर में जरूरतमंदों को मनमाने ब्याज पर पैसा देना और फिर ब्याज को लेकर जरूरतमंदों को निर्वस्त कर पिटाई कर उनका वीडियो बनाने का मामला सामने आया। जांच मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कहानी तत्काल पता चल गई कि एक 4 लोग है, उसमें एक मेन अक्यूज्ड है, वो फाइनेंस का काम करता है और लोगों को ब्याज पे पैसा देता है, और ब्याज जो है छोटी छोटी रकम देता है, बहुत ज्यादा नहीं देता है, और ब्याज बहुत ज़्यादा चढ़ाता है 10% पर मंथ में। और जो ब्याज नहीं दे पाते हैं उनको ऐसा बुलाकर अपने घर में या अपने वो जो ऑफिस में इस प्रकार के पूरा न्यूडिटी करके मार पिटाई करके अलग अलग प्रकार की हरकतें करा के उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके और फिर अगेन करते हुए बहुत ज़्यादा ब्याज चढ़ाता है। चमोली में हेमकुट साहिब की यात्रा की तैयारी की जा रही है, जिसके मद्देनजर भारतीय सेना की 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल RS पुंडीर के निर्देशानुसार सूबेदार मेजर नेकचंद ने अपनी टुकड़ी के साथ हेमकुट साहिब तक रेकी की और पाए कि बर्फ अधिक है, इसलिए इस साल बर्फ हटाने और रास्ता पैदल यात्रा के लिए सुगम बनाने के लिए ज़्यादा जवान और ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था कर ली जाएगी और अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के बाद से किसी भी समय ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया था, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में संपन्न हुआ, जिसमें बताया गया कि चमोली के 112 केंद्रों पर परिषदीय परीक्षा संपन्न हो रही है। इन 112 में से 26 केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद इलाके में नेशनल हाईवे 730 पर ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से टेम्पो खाई में पलट गई और टेम्पो में सवार सवारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं डॉक्टर आवान जहानाबाद CHC से, और घायलों की जो नाम है इस प्रकार है: नजमा, वाइफ ऑफ सगीर, 45 वर्ष, जिनको जिला अस्पताल पीलीभीत के लिए भेजा गया है एक्सरे के लिए। दूसरा है गोलू, सन ऑफ सुंदरलाल, 6 साल के, इनको भी एक्सरे के लिए जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। ये दो हैं जो घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है। जो दो जिनको मामूली चोट आई, वो सलमा है, एक सलमा और दूसरी है तरन्नुम। ये इन दोनों को यहीं पे जिला अस्पताल, यहीं अस्पताल में ही इलाज के लिए इलाज करके इनको वो कर दिया, ट्रीट कर दिया यहीं पे। थराली से शिव भक्तों के लिए खुशी की खबर है। पिंडर घाटी के असेड़ सिमली में स्थित सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय महादेव मंदिर देवभूरा में पंच पुराणों के भगवत कथा के आयोजन के निर्णय से क्षेत्र में एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सोमवार को महादेव मंदिर समिति के पदाधिकारियों और आचार्यों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने देवधूतरा पर्वत शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महादेव मंदिर के परिसर में बैठक आयोजित कर इस बार पंच पुराणों की कथाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पांच पुराण हमारे महामृत्युंजय महादेव में पूर्ण होना सुनिश्चित हुआ है। सभी शास्त्री वर्गों से, अध्यक्ष जी के माध्यम से, श्री लिंग पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत महापुराण, शिव पुराण और हरिवंश पुराण होना सुनिश्चित हुआ है। हम लोगों की बैठक हुई, जिसमें विगत वर्षों की भांति जैसे शिव पुराण हुआ था, तीन पुराण हुए थे, एक बार फिर शिव पुराण हुआ था, फिर पंच पुराण का विचार किया गया, प्रस्ताव बनाया गया। बस इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो दाता लोगों ने जो दान दिया है और फिर देते रहेंगे, कि ये कि हम यदि पंच पुराण करेंगे और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आप हैं किडनी